जल है तो कल है, ये सभी जानते हैं। और ना सिर्फ सरकार बल्कि कई सामाजिक संगठन पानी संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करते नजर भी आते हैं। इसी बीच बुलंदशहर प्रशासन भी यही दाव अपना रहा है। उन्होंने भी पानी को बचाने के लिए वो भी इसी मुहिम में जुटा है। लेकिन प्रशासन के दावे जमीन पर कितना काम कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बुलंदशहर जिला प्रशासन की ओर से भी दावे किए जाते हैं कि गिरते भूजल स्तर को लेकर जिला प्रशासन चिंतित है और कई तरह के अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों का क्या आम लोगों में थोड़ा भी असर है? क्या स्वच्छ पानी को बर्बाद करने से लोग बचा रहे हैं? क्या गिरते भूजल स्तर को लेकर लोगों में जागरूकता है? जिला प्रशासन और विभागीय कर्मचारी पानी बर्बाद न करने की चाहे जितनी मुहिम चलाए, वाकई आज देश के कई शहर और गांव ऐसे हैं जहां बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं और कई जगह ऐसी भी हैं जहां अमूल्य पानी को नाली में बहाया जाता है। लेकिन इसी बीच बुलंदशहर प्रशासन की एक अच्छी पहल भी देखने को मिली, जहां अधिकारी आम लोगों को समझाने में जुटे हैं कि पानी बेहद कीमती है और उसे बर्बाद न करें। यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों और विभागीय कर्मचारियों की माने तो इस मामले में सरकार से ज्यादा आम लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। इस जल संरक्षण के लिए चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूपी द्वारा भी कई आदेश आए हैं, इसके क्रम में सभी ईओस को बीडीओस को सबको निर्देश दिए गए हैं। इसका बाकायदा जन जागरूकता का अभियान भी चल रहा है और हमारा जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान भी चल रहा है, जिसके क्रम में आज भी शाम को जिलाधिकारी महोदय ने मीटिंग रखी है और ये भी निर्देश दिए गए कि इस तरह अगर पेयजल को कहीं लोग अनावश्यक अव्यय कर रहे हों तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी करें। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हम सबका बराबर कर्तव्य है। सरकार से सारी उम्मीद रखेंगे तो कभी कुछ नहीं हो पाता। उन्हीं देशों ने तरक्की की है जिन देशों के नागरिक जिम्मेदार थे, या वही सरकारें काम कर पाई हैं जो जहाँ के नागरिक अपनी सरकारों से काम करवा पाए। नागरिकों की जागरूकता जो है ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुई है हमेशा। जो पानी बह रहा है वो गलत है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल की एक एक बूंद बहुत ही कीमती है। आजकल वैसे भी देख रहे हैं कि जल का जलस्तर बहुत ही नीचे जा रहा है और जो जल इस टाइप से जो नीचे बह रहा है ये गलत है। इसका सही तरीका से मरम्मत करके इसको रोका जाए और सदुपयोग किया जाए। एक तरफ प्रशासन पानी को बचाने के लिए मुहिम चला रहा है, दूसरी तरफ बुलंदशहर जिले में इसकी हकीकत यह है कि गाड़ियां धोने वाले हजारों सर्विस सेंटर्स हैं और हर एक सेंटर पर हजारों लीटर स्वच्छ पानी नालियों में बहाकर बर्बाद कर दिया जाता है। इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है तो बात सिर्फ एक सेंटर की है। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां समर का इस्तेमाल करने वाले लोग पानी सुरक्षित करने के बजाय जरूरत से ज्यादा पानी बर्बाद करते हैं। हमारी टीम ने ऐसे कई तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की जहां पानी की जमकर बर्बादी की जाती है। हालांकि इस दौरान हमारी टीम ने बात की और सभी लोगों से जल संरक्षण की अपील की है। कैमरे पर ना आने की शर्त पर उन लोगों ने बताया कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनके पास नहीं पहुंचता है, जबकि एक डक पर सैकड़ों गाड़ियां डेली धुलवाई जाती हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनपद भर में सैकड़ों ऐसे डक हैं जिन पर हजारों लीटर पानी हर रोज बर्बाद किया जाता है। ये तो वो लोग थे जो अपने फायदे के लिए जरूरत से ज्यादा पानी की बर्बादी पर लगे हैं। लेकिन अब आप बुलंदशहर नगर की लापरवाही की इस तस्वीर को भी जरा गौर से देखिए। यहाँ राजीव बाबू पार्क में स्थित नगर पालिका के टैंक, जिससे हर रोज पानी यूं ही बर्बाद होता है, जल संरक्षण के लिए तरह तरह के विज्ञापनों के जरिए लोगों को जागरूक करने के लिए नगर पालिका इतनी लापरवाह हो चुकी है कि उसका खुद जल बर्बादी पर कोई ध्यान नहीं है। तो ऐसे सुधरेंगे हालात? हालांकि बुलंदशहर के अपर जिलाधिकारी कई दावे भी करते हैं। हिंदी खबर के पास बुलंदशहर के लिए कुछ ऐसे सुझाव हैं जो पानी संरक्षण के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। साथ ही जनपद में हर रोज जो लाखों लीटर पानी की बर्बादी की जा रही है उसको भी बचाया जा सकेगा। ऐसे सैकड़ों डक हैं जहां रोज हजारों गाड़ियां धुलवाई जा रही हैं और लाखों लीटर पानी स्वच्छ पानी यूं ही बर्बाद किया जा रहा है। तो ऐसे डकों के लिए जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी होने चाहिए कि अगर आप डक चलाएंगे तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूर लगाएंगे, जबकि जनपद में बहुत ऐसी डेयरी भी हैं जो 500 गज से अधिक बड़ी जगह में जमीन में लगाई गई हैं। तो अगर 500 गज से बड़े प्लाट में कोई डेयरी चल रही है तो वहाँ भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जिला प्रशासन को निर्देश देने चाहिए। जिस तरह लगातार भूजल के गिरते स्तर को लेकर सरकार और सामाजिक संगठन चिंतित हैं, अगर व्यक्ति चिंता बुलंदशहर जिला प्रशासन को सताती है तो प्रशासन को तालाब कब्जाने वाले तमाम भूमाफिया
हरे भरे पेड़ों को काट देने वाले कटान माफिया, अपने फायदे के लिए स्वच्छ जल को नालियों में बर्बाद करने वाले पानी माफियाओं पर पूरी तरह नकेल कसनी होगी ताकि जल संरक्षित हो सके। जिला प्रशासन को जो हरे भरे पेड़ों को काट देने वाले कटान माफिया हैं उन पर नकेल कसनी होगी, जो तालाबों को कब्जा कर लेते हैं उन भू माफियाओं पर नकेल कसनी होगी, साथ ही जो अपने निजी फायदे के लिए मुनाफा कमाने के लिए स्वच्छ जल को लगातार बर्बाद करने पर तुले हैं उन पानी माफियाओं पर नकेल कसनी होगी, तभी बचाया जा सकेगा जल और सुरक्षित रह सकेगा हमारा कल। कैमरा पर्सन शाकिर मलिक और सहयोगी दानिश गफ्फार के साथ साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।